को बहुत मजा आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं नक्टी डैम। यह हमारे गांव से 20 किलोमीटर पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे नक्टी डैम। आइए आपको दिखाते हैं इस डैम का नज़ारा। ये काफ़ी बड़ा डैम, यहां पे आप आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं आराम से, फैमिली वालों के साथ भी आ सकते हैं आप। वाह, ब्यूटीफुल! काफ़ी लोग आते हैं यहां पे, अपना टाइम स्पेंड करते हैं आराम से, आप भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये बोटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे जो स्क्वायर टाइप के बनाए गए हैं उसमें मछली पालन भी किया जाता है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। कुछ देरी के बाद हम भी बोटिंग करने वाले हैं यहाँ पे। चॉकलेट है, खाओगे क्या? खींच कैमरा थोड़ा किस तरह। इस बार आप देखिए ये एक पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पे झारखंड टूरिज्म की तरफ से। और एक अंदर में रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की सुविधा भी आपको मिलेगी। अभी ये डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी बनाया जा रहा है, कार्य प्रगति पे है और ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नए साल में आप आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी बारी है यहाँ पे बोटिंग करने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100 रुपीज पर हेड चार्ज किया जाता है यहाँ पे बोटिंग के लिए। तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन डर भी लग रहा है, पहली बार बैठे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो ये था हमारे नक्टी डैम का नज़ारा। नक्टी पार्क यहाँ पे ये बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरी तरह से। आप देखिए लोग किस तरह से यहाँ आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और यहीं से डैम का पानी छोड़ा जाता है। अभी विंटर है तो वाटर लेवल कम है, इस कारण से यहाँ पे पानी नहीं छोड़ा गया है ज़्यादा। जब बारिश के मौसम में यहाँ पे पानी छोड़ा जाता है तो काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। तो बस ये था नक्टी डैम। आई होप कि आपको पसंद आया होगा हमारा यह ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।